के धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। 300 से ज्यादा राम कथाएं भारत के अलावा 9 देशों की है अपनी रामायण। तो क्या तैयारी कर रहे नितेश रामायण को ग्लोबल लेवल बनाने के लिए? नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण लंबे वक्त से सुर्खियां बटोर रही है। जब से फिल्म की चर्चा शुरू हुई तभी से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे नितेश इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी रिलीज करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि रामायण की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि विदेशों में भी है। सबसे पहले रामायण बनाने में डायरेक्टर रमानंद सागर की टीम ने 25 से ज्यादा राम कथाओं पर रिसर्च की, लेकिन राम कथाएं इससे भी अधिक हैं। रामायण पर लिखा गया पहला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण भी नहीं था, पहला ग्रंथ दशरथ जातक है। 300 से ज्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फेमस हैं। इसके अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हुई हैं। भारत के अलावा 9 और देश हैं जहां किसी ना किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। कम ही लोग जानते हैं लेकिन अपनी डिक्शनरी के लिए पहचाने जाने वाले बेल्जियम के प्रोफेसर कैमिल बुल्के ने राम कथा पर सबसे ज्यादा रिसर्च की। इसमें उन्होंने दुनिया भर की राम कथाओं का विश्लेषण किया है। वहीं नेपाल में भानु भक्त कृत रामायण, सुंदरानंद रामायण, आदर्श राघव, कंबोडिया में रामकर, तिब्बत में तिब्बती रामायण पूर्वी, तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में ककबीन रामायण, जावा सेरत राम, सैरी राम, राम केलिंग, पातानी आदि रामायण होती है। इस फॉरेन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वो रामायण को इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज कर रहे हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा मुनाफा होगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रोल में दिखाई देने वाली हैं। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर ने रामायण पार्ट 1 के लिए अपने हिस्से की 90% शूटिंग पूरी कर ली है। अब खबर है कि फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले साउथ सुपरस्टार यश इसी साल के अंत में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करेंगे। यश फिल्म की शूटिंग 2025 की पहली तिमाही तक कर लेंगे। इसके बाद सनी देओल अपने अगले साल गर्मी में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करेंगे। सनी देओल इस रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले हैं। बॉर्डर के सीक्वल बॉर्डर 2 की शूटिंग खत्म करने के बाद सनी देओल नितेश की रामायण से जुड़ेंगे। उन्होंने नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा को शूटिंग के लिए बल्क में डेट्स दे दी हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि 2025 के बीच में किसी भी वक्त रणबीर कपूर के सनी देओल और यश के साथ सीन्स को फिल्माया जा सकता है। बताया गया कि फिल्ममेकर इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को दिवाली 2026 में रिलीज कर देंगे। वहीं इसका सेकंड पार्ट 2028 तक सिनेमाघरों में आ सकता है। उस समय कल्कि के सेकंड पार्ट के आने की भी उम्मीदें हैं। ऐसे में कल्कि और रामायण आपस में क्लैश करने वाले पोजिशन पर आ सकते हैं। इस फिल्म के जरिए मेकर्स देश को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। रामायण के हर किरदार की शूटिंग अगस्त 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। अभी से ही फिल्म VFX पर काम किया जा रहा है। नितेश तिवारी फिलहाल रामायण के अनाउंसमेंट वीडियो पर काम कर रहे हैं। जल्द ही वीडियो लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में बताया गया कि फिल्म में अमिताभ बच्चन जटायु के किरदार की आवाज बनने वाले हैं। रणबीर रामायण पार्ट 1 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने ही वाले हैं। अब वो संजय लीला बंसाली के निर्देशन में बनने वाली फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। रणबीर अक्टूबर के पहले हफ्ते से लव एंड वॉर के सेट पर नजर आएंगे। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट एंड विकी कौशल भी अहम रोल निभाएंगे। वेल, आप रामायण के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 882885088।